म ऑफ सीसी अकेडमी सी सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत आज मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर आज है मंडे और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन का टेस्ट, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे इंडियन जीके के रहेंगे उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे हिमाचल जीके के ये दोनों जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे यानी जितने भी हमारे मार्च अप्रैल तक का करेंट अफेयर है वो मैंने यहाँ तक यहां पर इन क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ओके okay? ओके okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है रिसेंटली इंडिया हैज अग्रीड टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन संस्कृत लैंग्वेज हाल ही में भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है तो भारत ने हेल्प करनी है किसकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा नेपाल की किस लिए टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन इन संस्कृत लैंग्वेज ठीक है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए उसमें रिसर्च करने के लिए भारत ने जो है नेपाल की सहायता करनी है ठीक है इसके लिए अग्री हुआ है भारत तुस... क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट हैव टस्ट अ रिकॉर्ड रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 24 अ ग्रोथ ऑफ 32.5% परसेंट ओवर द प्रीवियस फिजिकल ईयर वित्त वर्ष 2023 24 में न रक्षा निर्यात वित्त वर्ष दो हजार ने रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड रुपए को छू लिया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 परसेंट की वृद्धि है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में से 32.5 परसेंट एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ा है भारत का कितना करोड़ बढ़ा है ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड एटी थ्री करोड़ रुपीजशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर में डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ा है क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्या कह रहा है हाउ मेनी लैख करोड़ रुपीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वॉज कलेक्टेड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो मार्च दो हजार चौबीस में तक जो है भारत ने कितना जीएसटी का संग्रहण किया है कितना कलेक्ट किया है तो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वन पॉइंट सेवन एट लैख करोड़ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है

दो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है आर ई सी लिमिटेड को जो है स्कॉच ई एस जी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया क्वेश्चन नंबर सिक्स कैलीसेटो या कैलिस्टो फॉलोइंग प्लेनेट तो कैलिसेटो जो है डिस्कवर किया गया ये जो है जुपिटर यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसका मून है यानी चंद्रमा है क्वेश्चन नंबर सिक्स वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल मिलेट ईयर हैल्ड रिसेंटली तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 को जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया था पूरे वर्ष भर में मिलेट्स के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें हमने देखी वैसे जैसे राइट दो हजार में जी ट्वेंटी सबमिट में मिलेट्स को प्रमोट किया गया था राइट जो भी कंट्रीज आई थी जी ट्वेंटी के मेंबर्स आए थे उनके सामने जी हमने, हमने भारत ने जो है मिलेट्स व्यंजन परोसे थे तो वो एक तरह से मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए ही किया गया था तो 2023 को इंटरनेशनल मिलिट इयर डिक्लेयर किया गया था और इस समारोह को संपन्न करना या इसे क्लोजिंग सेरेमनी की गई तो कहां पर की गई इटली के रोम में ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है का राजदूत यानी एम्बेसिडर चुना गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नाइजर है वो किस महाद्वीप में है किस कॉन्टिनेंट में है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है नाइजर वहां पर सीताराम मीना को अम्बेसिडर

राइट right? अब इसके बाद 2022 तक की जो है स्टडी की गई 2015 से 2022 के बीच में 2022 का ये डेटा है राइट right? और इसकी रिपोर्ट आई है 2024 में दो तीन इयर्स दिख रहे हैं तो ये है कि 2015 में इतना था मोर्टेलि मोर्टेलिटी रेट 28 पर लाख पॉपुलेशन उसके बाद 2022 तक की जो स्टडी की गई उसकी रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है तो अब जो है ये 28 पर लाख से घटकर 23 तेईस प्रति लाख जो है घट गया है टीवी से मोर्टेली रेट यानी मृत्यु दर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर एस एफ एल सी विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट तो ये बहुत ही खूब और खास बात है हमारे प्यारे भारत की कि भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है आपको जानकारी के लिए बता दें भारत में पूरे विश्व भर में सबसे सस्ता इंटरनेट जो है प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा बट भारत में जो रिस्ट्रिक्शन है इंटरनेट पर वो भी सबसे ज्यादा है ग्लोबली टॉप है भारत यहाँ पर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है इंटरनेट पर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर इंटरनेट शट डाउन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट तो इंटरनेट शट डाउन वॉयलेट जो है करता है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नाइनटीन वन को जो फ्रीडम है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है उनमें से सबसे पहला जो नाइनटीन वन है उसे जो है

क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रिसेंटली जुडिथ सुमिना सुमिनवा जुडिथ सुमिनवा तुलुका हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका जी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है ये जो है कांगो की जो है प्रधानमंत्री बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था ये वर्ष 2000 में यानी 2000 थाउजेंड में ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट है ओके यहाँ पर 2005 भी है तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था है ना आर और ये क्या है आई टी ए 14 recently which कंट्रीज़ फ्यूज़न रिएक्टर k star has achieved a significant success by creating a temperature seven times more than the sun for 30 seconds हाल ही में किस देश के देश के फ्यूजन रिएक्टर k स्टार ने 30 सेकंड तक सूर्य से सात गुना अधिक तापमान बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तो k स्टार ये जो रिएक्टर है ये कंट्री कौन सी है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है दक्षिण कोरिया डक्वार्टर is, is तो इसका हेडक्वार्टर एशो कैम का है कहा पर नई दिल्ली में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है तो अब हम पंद्रह क्वेश्चन हिमाचल जी के कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के ये मार्च तक के करंट अफेयर है राइट तो देखते हैं रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 एंड मेड हाउ मेनी न्यू सेक्टर्स अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी तो हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 को जो है अमेंड किया है यानी संशोधित किया है और इसमें छह नए सेक्टर्स को जो है जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है छह सेक्टर्स इसमें जोड़े गए हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन विद अ बिग हॉस्पिटल टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट टू द केयर होल्डर्स ऑफ द स्टेट तो हिमाचल प्रदेश के हिम केयर होल्डर्स के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है कि हिमाचल से बाहर जो है वो कैशलेस जो है ट्रीटमेंट करवा सकें तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने एमओ यू साइन किया है किसके साथ पीजीआई चंडीगढ़ के साथ ठीक है नंबर हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश तो ये जो है बहुत ही चर्चाओं में रहा था ये विषय तो आई थिंक मुझे जो है ये क्वेश्चन लेना ही पड़ा है ना क्योंकि बहुत ही चर्चाओं में राज्यसभा इलेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश के रहे थे पूरे देश भर में बहुत ही चर्चित ये इलेक्शन रहे थे ठीक है तो राज्यसभा से चुने गए हैं श्री हर्ष महाजन जी इनकी पार्टी भी ध्यान रखना ये बीजेपी से है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली अभी का, आ, कांग्रेस की गवर्नमेंट है बट यहाँ से जो राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए बहुमत जिनके पास बनी और वो चुनके गए एक बोर्ड की बहुमत थी तो श्री हर्ष महाजन जी एक बोर्ड की बहुमत नहीं थी इनका जो है बराबर बराबर इनको जो है बोर्ड मिले थे राइट और फिर टॉस से ये जीत कर गए थे राज्यसभा के लिए श्री हर्ष महाजन जी 19. Recently, the Himachal Pradesh government is preparing to run a cruise ship in which lake of state. तो हिमाचल प्रदेश की किस uh, झील में क्रूज शिप चलाने की तैयारी चल रही है क्रूज शिप जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक लार्जेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर लेक कौन से जिले में है बिलासपुर में है तो वहीं पर ही क्रूज शिप चलाने की तैयारी चल रही है क्वेश्चन नंबर 20 दीक्षांत शर्मा अवार्डेड द नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड 2024 इज फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट तो 2024 का राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार जो है ये दिया गया है दीक्षांत शर्मा को ये कौन से जिले से हैं तो जिला है जी इनका सोलन और इनको जो है कहां पर ये प्राइज मिला एट्थ नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि कहां पर हुआ बिहार में वहां पर इन्हें ये अवार्ड मिला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विप्रो अर्थ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल बी गिवन टू द साइन वाला सैनवाला स्कूल विच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट तो विप्रो आर्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2023 किया दिया गया सेनवाला स्कूल को ये सिरमौर का स्कूल है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ विच केंद्रीय विद्यालय ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू वर्चुअल मीडियम तो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया केंद्रीय विद्यालय नदौ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है किसके द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ना क्वेश्चन नंबर डिड हिमाचल प्रदेश गेट इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड रिसेंटली गुलमर्ग एंड लद्दाख तो खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया गया दोनों ही जगहों पर ही ऑर्गेनाइज किया गया है लद्दाख में ही और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तो हिमाचल प्रदेश को शीतकालीन विंटर गेम्स में मिला है सेकेंड प्राइस यानी दूसरा स्थान रहा था इन्होंने जो है पदक जीते थे राइट क्वेश्चन नंबर रिसेंटली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सातन डिजिटल लिटरेसी कैंपेन स्टार्टेड सो so, साचेतन डिजिटल साक्षरता अभियान जो है इन तीनों ही जिलों चंबा कांगड़ा ऊना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां से शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने ई ऑफिस संचालन में प्रथम स्थान हासिल किया है तो ई ऑफिस जो है संचालन में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ने पहला जो है स्थान हासिल किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अंडर विच स्कीम हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग पेंशन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ टू वुमेन अब एटीन ईयर ऑफ एज इन लाहौल स्पीति तो लाहौल स्पीति से उस योजना का नाम बताइए जहां पर जिसके के तहत 1500 प्रति माह जो है पेंशन प्रदान की जाएगी महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

फ्रॉम देवी ऑफ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के के जिले देवी से अयोध्या के लिए HRTC के द्वारा बस सेवा शुरू की गई है शुरू की गई बस सेवा का नाम क्या है किस योजना के तहत ये शुरू की गई प्रथम दर्शन सेवा योजना पीडी नाइन की पहली महिला स्नाइपर बनी है जी सुमन कुमारी ये कौन से जिले से हैं ये पूछा गया है तो ये जिला है जी इनका मंडी मंडी से दो महिलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं दोनों के ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं रिसेंटली काजल सदाना है सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन शॉर्ट सर्विस कमीशन जे एजी एग्जाम शे बिलोंग्स टू बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये भी मंडी की ही है जे ए जी एग्जाम यानी जज एडवोकेट जनरल का ये एग्जाम था वहां पर इन्होंने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है डिस्ट्रिक्ट मंडी की है काजल सदाना भी और सुमन कुमारी भी राइट अब देखते हैं दस क्वेश्चन हिंदी और दस क्वेश्चन इंग्लिश के यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है तो अत्यंत है जी यहाँ पर प्रशेषण राइट right? जंगम का विलोम शब्द विलोम शब्द होता है अपोजिट वर्ड राइट right? तो जंगम का जंगम का विलोम शब्द क्या है स्थावर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है थर्टी थ्री गीता मंद मंद मुस्कुरा मुश्कु, मुस्कुरा रही है यहाँ पे मंद मंद क्या है तो मंद मंद है क्रिया विशेषण थर्टी फोर अवैध भाव समास का उदाहरण क्या है तो अवैध भाव अवय का पत, मतलब पता होना चाहिए अवय ऐसे शब्द होते हैं जिनका किसी भी शब्द के साथ पहले यूज किया जाता है यानी वो एज अ उपसर्ग की तरह यूज किए जाते हैं अवय शब्द और जिनके यूज करने के बाद जो है उसमें उस शब्द में या उस वाक्य में कोई चेंज ना आए राइट वाक्य में यूज होने के बाद कोई चेंज ना आए उसे अव्यय शब्द कहा जाता है तो यहाँ पे समास विग्रह करते हैं फिर समझते हैं त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह है ना त्रिनेत्रों का समूह इसका दो समास हो सकते हैं या तो ये द्विगु होगा विग्रह के हिसाब से या तो ये द्विगु होगा या फिर त्रीन नेत्र है जिसके शिवजी तो ये तो बहुबृह समास यानी दो समास हो सकते हैं त्रिनेत्र के फिर है भरपेट तो भरपेट यानी भर, पूरी तरह से पेट भर के राजपुत्र यानी राजा का पुत्र महाराजा यानी महान है ये राज जो राजा तो ये दोनों जो हैं हमारे कर्मधारय समास हैं राजपुत्र और महाराजा राइट बट जो ये बी है भर पेट पेट भर के है ना तो ये जो है अभय भाव समास होगा थर्टी फाइव तत्सम शब्द कौन सा है तो तत्सम शब्द वही होते हैं तत्सम उसके समान यानी संस्कृत के समान संस्कृत से ही ले हुए शब्द जो कि वैसे ही इज हिंदी में यूज किए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly पूछा जाए तो यहाँ पर उज्जवल की जो है वो स्पेलिंग कौन सी है वो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली है तो उज्जवल की जो सही बर्तनी होती है वो ऑप्शन नंबर ए वल, ये सही है ज़ होता है आधा होता महर्षि का संधि संधि जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा महाि ठीक है दीर्घ संधि है ये महर्षि ध्यान रखना है पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है प्रत्यय जो वो ऐसे प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द में बाद में लगते हैं ठीक राइट तो पन्न घट बडप्पन ओपन ओपन और सत्यापन तो यहाँ पर पन्न जो है बी ऑप्शन बडप्पन में प्रत्यय की तरह यूज हुआ है कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या है तो कठोर का समानार्थक शब्द है परुष या पुरुष सी इसका करेक्ट होगा रिज का विलोमार्थी शब्द रिज का उल्टा तो सी इसका सही होगा वक्र प्रवीण बड़ी चतुर है मैं बड़ी क्या है तो बड़ी प्रशेषण है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है ओके 41 से लेके 50 तक हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 41 42 क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव तो प्रोहिबिट का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला शब्द तो प्रोहिबिट का सिनोनिम होता है बैन सी करेक्ट है रिग्रेट का रिग्रेट का होता है पछताना है ना तो रिग्रेट का डी रेपेंट जो है सही सिनोनिम है 43 से लेके 45 पर जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दी है जो भी ऑप्शन में दिया होगा तो फोर्टी थ्री ही यहां पे प्रपोजिशन पूछी गई है ही डील्स इन स्टेशनरी द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर ये भी प्रोपोजिशन ही है टाइगर वॉज किर्ड बाई दंटर ही इज वीक इन केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री में वीक है इन केमिस्ट्री बी ऑप्शन करेक्ट है फोर्टी सिक्स चूज द राइट सेंटेंस तो कालिदास इज द सेक्सपियर ऑफ इंडिया हाँ यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल जगह और नाउन का ये क्वेश्चन है है ना कॉमन नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हा नाउन का ही ये क्वेश्चन है ठीक है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं राइट वो वाला ए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया राइट कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है फोर्टी सेवन वी रीच द सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीट साउंड इज तो साउंड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है फोर्टी एट चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स फेमनाइन जेंडर बताना है फॉक्स का तो विक्सन फॉक्स का जो फेमनाइन जेंडर होता है वो होता है विक्सन यंग वन ऑफ शीप शीप के बच्चे को कहते हैं लैम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ओके लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इन ऑफ द द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो इम्पेरियस का मीनिंग पूछा गया है इम्पेरियस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्राउड तो यहाँ पर हम बच्चीस क्वेश्चन जो है पेपर वन के डिस्कस कर चुके हैं राइट सॉरी हम जो है पचास क्वेश्चन पेपर वन के डिस्कस कर चुके हैं आई होप आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी मैं आशा करती हूँ कि ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर को रीसेंट करंट अफेयर को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी साथ ही इसके साथ हमारा हिमाचल इंग्लिश और हिंदी भी साथ में ही कवर हो रहा है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो धन्यवाद